नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस तो कौन से रीजन्स थे कि मैंडल का काम जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया और वो सक्सेसफुल भी हुआ मैंने पहले ही कहा है कि फर्स्ट जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट तो पी प्लांट को सिलेक्ट करने से इसका काम जो है वो सक्सेसफुल हुआ है अब हम देखेंगे पी प्लांट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मेडल का काम जो है उसको सक्सेस मिल गई तो असल में यही हम देखेंगे यहाँ पर सो देर आर डिफरेंट रीजनस फॉर दैट सो वी विल डिस्कस दो रीजन वन बाई वन तो फर्स्ट में यहां पर बताऊंगा कि पी प्लांट जो होता है पी प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज पाइसम सटाइवम तो पाइसम सटाइवम इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट तो अब कौन से रीजन है फर्स्ट रीजन वी विल डिस्कस हियर दैट पी प्लांट्स पी प्लांट्स आर एवेलेबल एवरी वे तो लगभग अगर हम देखेंगे ये प्लांट्स जो होते हैं हर किसी जगह पे ये मौजूद होते हैं तो ऑस्ट्रिया में भी उस टाइम पे मौजूद थे तो दिस इज द फर्स्ट हेयर सेकंड अब इसने क्यों यही प्लांट सिलेक्ट किया इसने क्यों नहीं दूसरा प्लांट सिलेक्ट किया दीज प्लांट्स दीज प्लांट्स आर कल्टिवेट ईजिली इनको हम कल्टिवेट ईजिली कर सकते हैं ईजिली इनको हम कल्टिवेट कर सकते हैं थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब पी प्लांट ही को क्यों सिलेक्ट किया गया क्योंकि पी प्लांट का लाइफ पीरियड जो है वो बहुत ही कम है जब लाइफ पीरियड कम होगा तो क्विकली रिजल्ट भी जल्दी जल्दी मिलेंगे जब क्विकली रिज़ल्ट जल्दी जल्दी मिलेंगे तो उसके बाद हम कोई फैसला भी कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ सो so, यहाँ पे थर्ड वन दी लाइफ पीरियड लाइफ पीरियड ऑफ पी प्लांट्स ज शॉर्ट विच हेल्प्स विच हेल्प्स इन ओबेनिंग क्विक रिजल्ट जिससे इसको क्विकली रिजल्ट मिले क्विक रिजल्ट तो ये तो था थर्ड वन फोर्थ वन की अगर हम बात करेंगे पी प्लांट्स जो है ये नॉर्मली कैरी आउट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली कर सकते हैं इनको तो नॉर्मली जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं लेकिन आर्टिफिशियली हम क्रॉस पॉलिनेट भी इनको करवा सकते हैं तो फोर्थ वन पी प्लांट्स जो है नॉर्मली कैरी आउट पी प्लांट्स यानी कि पाइसम स्टाइव नॉर्मली कैरी आउट carry out self pollination but cross pollination अब ऐसे ही mile but cross pollination can be carried out artificially तो cross पॉलिनेशन भी हम करवा सकते हैं artificially लेकिन मोस्टली पी प्लांट जो है नॉर्मली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं लेकिन cross पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं अब हम देखेंगे ये क्रास पॉनीशन कैसे करेंगे। तो क्रास पॉलिशन को हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे दो पी प्लांट्स है इफ़ इट इज़ द वन पी प्लांट एंड इट इज़ द अनदर पी प्लांट तो यहाँ पे भी फ्लावर्स है यहाँ पे भी फ्लावर्स है तो मोस्टली अगर हम कहेंगे कि ये प्लांट्स जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे लेकिन हमें इनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करने देना है हम इनको हम इनको एलो करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन अब कैसे करेंगे ये जो यहाँ का दो में से एक प्लांट का जो फ्लावर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद जो इस फ्लावर में स्टेमिनस यानी कि मेल पार्ट जो प्रेजेंट होगा मेल पार्ट तो वो तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने स्टेमिनस वगैरह गाइनोशियम एंड्रोशियम वो तो सारा कुछ आपने पढ़ा होगा तो मेल पार्ट यानी कि स्टेमिनस जो है जब भी हम इस फ्लावर में वो कट करेंगे रिमूव करेंगे दिस रिमूवल ऑफ स्टेमिन फ्रॉम द फ्लावर सिलेक्टेड फ्लावर एंड दैट्स कॉल इज इमास्कुलेशन इमास्कुलेशन अब हमने स्टेमिन क्यों निकाला इस फ्लावर से स्टेमिन हमने इसलिए निकाला क्योंकि उस स्टेमिन से जो पोलन ग्रेन्स जो थे मे बी वो पोलन ग्रेन्स जो है सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे अपने ही गाइनीशियम के साथ इसलिए हमने इनको बाहर निकाला तो यहाँ पे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमने इस फ्लावर को पर्टिकुलर यहाँ पे गाइनीशियम जो है उसको हमने कवर अप किया इस फ्लावर को हमने कवर अप किया विद हेल्प ऑफ पॉलिथीन बैग अब क्यों कवर अप किया यहाँ पे कोई दूसरा ग्रेन ना आ जाए विद द हेल्प ऑफ एयर एंड देन मूव एंड पॉलिनेट्स हेयर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉलीथीन कवर यहां पे इसको लगाएंगे दैट्स कॉल्ड एज बैगिंग तो पॉलीथिन कवर हम यहाँ पे लगाएंगे द इमास्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड बाय पॉलीथीन बैग दैट्स कॉल्ड एज बैगिंग तो अब जब टाइम आएगा पॉलिनेशन का जब पॉलन ग्रेन्स तैयार यहां पे होंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा दूसरा प्लांट है इस प्लांट से हमने यहाँ पे जो स्टेमिन है वहां से पोलिन ग्रेन्स निकाले और पोलिन ग्रेन निकालने के बाद डायरेक्टली से उनको कहाँ पे डाला डायरेक्टली से उनको उसी बैगड प्लांट पे डाला या इमासकुलेटेड फ्लावर पे डाला तो जब हमने इमासकुलेटेड फ्लावर पे डाला यहाँ पे तो यूनियन ऑफ मेल गेमिट यानी कि पोलन ग्रेन हमने यहाँ से लाया तो फीमेल गेमेट वहाँ पर ऑलरेडी था दैट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन है तो पॉलिनेशन के बैद जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बैद क्या होगा जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे जो हाइब्रिड यहाँ पे मिलेगा एंड दिस हाइब्रिड हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ पेरेंट्स इसके भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी और इसके भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी तो दैट्स कॉल्ड एज एफ वन तो ये हम डिस्कस करेंगे एफ वन जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन दैट इज द हाइब्रिड हेयर तो दिस हाइब्रिड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द पेरेंट्स इसके भी प्रॉपर्टी होगी और इसके भी तो यही मैंने कहा यहाँ पे कि पी प्लांट जो है वो नॉर्मली कैरी आउट करेगा सेल्फ पॉनेशन लेकिन अगर हम चाहेंगे तो क्रास पालनेशन भी करवा सकते हैं और इसी यही क्रास पालिनेशन से मेंटल ने एक्सप्लेन किया बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये एंड द फिफ्थ वन दैट्स ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो पी प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत सारे वैराइटीज होते हैं इनमें फोर्टीन वेराइटीज प्रेजेंट होती है कितने में होती है फोर्टीन वराइटीज और वो फोर्टीन वेराइटीज प्रेजेंट होते हैं इन कंट्रास्टिंग फीचर में इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में मैं यहां पर दिखाऊंगा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है फॉर एक्जाम्पल अगर मेरे पास यहां पर एक प्लांट है पी प्लांट की मैं बात करूंगा ये मेरे पास पी प्लांट है और ये भी मेरे पास पी प्लांट है अगर मैं बताऊंगा कि साइज ऑफ द प्लांट साइज ऑफ पी प्लांट साइज ऑफ पी प्लांट जो है वो दो हो सकती है एक वो होगा जो टाल होगा और इसका अपोजिट भी होगा वो होगा दैट इज शार्ट तो ये दो कैरेक्टर जो है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ही यहां पे कैरेक्टर है साइज की जब मैं बात करूंगा तो प्लांट्स यहां पे टू टाइप्स के मिलेंगे एक टाल मिलेगा दूसरा शार्ट मिलेगा तो ये कैरेक्टर जो यहां पे है ये अब कंट्रास्टिंग यहां पे कैरेक्टर्स है कुछ तो यही हम यहां पे कहेंगे कि अगर जी फोर्टीन वेराइटीज है लेकिन ये फोर्टीन वेराइटीज जो है ये सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में प्रेजेंट थे तो आप देखेंगे यहां पे कौन से यहां पे सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है या फोर्टीन वेराइटीज है उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट हम यहां पे डिस्कस करेंगे कैरेक्टर कैरेक्टर क्या है अगर मैं देखूंगा यहां पे साइज ऑफ प्लांट साइज ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करूंगा मैंने पहले ही कहा है तो साइज ऑफ प्लांट में दो है टाल है शार्ट है एक तो होगा डोमिनेंट डोमिनेंट दूसरा होगा रिसेसिव तो डोमिनेंट जो है ये डोमिनेंट रिसेसिव आपको इस टाइम पे समझ में नहीं आएगा आप ऐसे ही याद रखो डोमिनेंट और रिसेसिव तो यहां पे टाल यहां पे डवाफ यानी कि शार्ट तो जब भी मैं साइज ऑफ द पी प्लांट देखूंगा तो साइज में भी दो यहां पे क्या होंगे दो कैरेक्टर्स यहां पे होंगे एक तो होगा टाल दूसरा होगा शार्ट इसी तरीके से अगर मैं दूसरा देखूंगा यहां पे सीड शेप शेप ऑफ सीड क्या होती है या तो स्मूथ होगा इस तरीके से स्मूथ ओवल शेप या तो रिंग होगा रिंग या तो इस तरीके से होगा हो सकता है इस तरीके से भी हो सकता है तो ये तो था सीड शेप के बारे में और तीसरा जब मैं देखूंगा यहाँ पे कैरेक्टर तीसरा कैरेक्टर कौन सा है सीड कलर सीड कलर सीड कलर में भी यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होंगे एक तो येलो होगा दूसरा ग्रीन होगा तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे सीड कलर जो है वो येलो हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है फोर्थ वन सीड कलर के बाद हम यहां पे बात करेंगे पॉड कलर पॉड कलर तो पॉड कलर के हिसाब से अगर हम देखेंगे प्लांट्स दो टू टाइप्स के हो सकते हैं एक वो जिस जिसके पॉड जो है वो ग्रीन होंगे अपोजिट इसका जिसके ग्रीन होंगे और दूसरा वो येलो होगा यहां पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मैं जब मैंने सीड कलर कहा तो सीड कलर का मैंने कहा कि येलो भी होगा और ग्रीन भी होगा जब मैं पौड़ कलर कहता हूं तो पौड़ कलर में कहता हूं मैं ग्रीन भी है येलो भी है लेकिन ग्रीन यहां पे कौन सा है डोमिनेंट येलो कौन सा है इस वक्त रिसेसिव तो डोमिनेंट की मैं अगर मैं बात करूंगा ग्रीन और येलो में से डोमिनेंट कौन होगा यानी कि जो आपने आपको एक्सप्रेस करेगा ये आपको इस टाइम पे समझ में नहीं आएगा जब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा तब आपको ये समझ में आ जाएगा डोमिनेट क्या है और रिसेसिव क्या है तो ग्रीन जो है वो हर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब उसके साथ येलो होगा तो फिफ्थ वाला जो है अब पॉड शेप की मैं बात करूंगा पॉड शेप।, शेप जो है इनफ्लेटेड इनफ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है इन्फ्लेटेड मीन्स फूला हुआ या हवा बरा हुआ जिसमें हवा जो है वह बरा हुआ होगा अब कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मीन्स हेयर सुकड़ना जिसमें हवा बड़ा नहीं हुआ होगा सो दिस इज हेयर द फिफ्थ वन एंड वी विल डिस्कस नाउ सिक्स वन हेयर फ्लावर कलर फ्लावर कलर की अगर हम बात करेंगे कलर्ड और वाइट डोमिनेट जो एक्सप्रेस करेंगे आपने आप को कलर्ड है जो हिडन रहेंगे दैट्स वाइट एंड सेवंथ वन इज हेयर फ्लावर पोजिशन फ्लावर पोजिशन कहाँ है फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है अगर चे फ्लावर प्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज हेयर ए प्लांट अगर चे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे एट इट्स या तो यहां पे फ्लावर होंगे प्रेजेंट एट इट्स टिप यानी कि टर्मिनल एंड पे अगर टर्मिनल एंड पे नहीं होगा तो या तो साइड होगा या तो ऑग्जिलरी होगा यानी कि साइड होगा फ्लावर या तो टर्मिनल एंड पे या तो एट दी अपर एंड टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड पे होगा तो ये तो थे अगर आप देखोगे ये सेवन यहां कैरेक्टर्स इसके होते हैं लेकिन ये जो हमारे पास फोर्टीन वेराइटीज़ है अब देखिए कि, किस तरीके से ये फोर्टीन वेराइटीज़ है टाल भी है और दबाव भी है स्मूथ सीड शेप रिंकल्ड सीड शेप सीड कलर की अगर हम बात करेंगे येलो भी होगा ग्रीन भी होगा पॉड कलर की अगर हम बात करेंगे ग्रीन भी होगा येलो भी होगा पॉड शेप की अगर हम बात करेंगे इनफ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड फ्लावर कलर की अगर हम बात करेंगे कलर्ड भी होगा वाइट भी होगा फ्लावर पोजिशन की अगर हम बात करेंगे एक्जरी भी होगा और टर्मिनल भी होगा अब यहाँ पे रहा ये डोमिनट और रिसेसिव। नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे उसमें हम ये पूरी तरीके से देखेंगे कि डोमिनेट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है थैंक यू वेरी मच